हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ब्लॉग लाइक कर दीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से भी कमेंट में बताइएगा और हमारे इंस्टा और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमें वहाँ भी जाकर फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है। तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। A few moments later. तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने अपना होमवर्क कर लिया है और इधर मम्मी से खाना मांगा, तो मम्मी अभी इधर पहले बर्तन धो रही हैं, बोल रही हैं पहले बर्तन धो लूं। पहले सफाई तो कर लें। तुमसे बोले कि तुम खा लो, नाश्ता करो, तो नहीं किए तुम। तो उस समय लिखने जा रहा था ना, बहुत ज्यादा काम था। काम तो आज ज्यादा हमको भी तो है। बर्तन है तब तो बहुत, मुझे तो बहुत तेज भूख लगा है। अभी झाड़ू करना है, पोछा करना है, फिर नहाना है। देखिए, मैं अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लाया था। मेरा बहुत ज़्यादा नहीं मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, पर मम्मी ललचा रही हैं क्योंकि मम्मी ने नहीं लाया, क्योंकि मम्मी ने मना किया था, उनका गला ख़राब है। मैं पियोगी? नहीं नहीं, तू पियो। अरे पी लो पी लो, मेरा गला ख़राब है, तू पी लो, थोड़ा सा पी लो। नहीं नहीं, थोड़ा सा पियेंगे, दिन रात पर खासेंगे, तुम पी लो अपना। इनका फ्रेंड्स, इनका गला कम से कम एक महीना हो गया, अब तक सही ही नहीं हो रहा, गरारा नहीं करती है मम्मी। तुम पियो, हमको लालच नहीं, हमको पीना होगा तो गाय जब मंगा कर पी नहीं लेंगे। तुम पियो अपना, हमको तुम चाय बना कर पिला दो बढ़िया से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मम्मी ने कहा चाय बना के पिला दो, तो मम्मी को ठंडा पीने का चाय बना देता हूँ। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज धूप बहुत तेज़ था, तो पहले मैंने सोचा कि पहले जाकर जल्दी इस पौधे को पानी डाल देता हूँ, फिर उसके बाद चाय बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, पूरा सूख गया है, ये देखिए, सब मैं पानी डाल देता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स 22 तारीख को, 22 अप्रैल को वो हमारे स्कूल में बताया गया था, हमारे स्कूल में अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि पौधे का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए, उनको रोज़ पानी डालिए और प्लास्टिक यूज़ मत करिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो प्लीज़ अब से प्लास्टिक यूज़ मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करिए। अभी मग्गा लेकर इसमें डाल देता हूँ, ये हो गया इसमें, और ये बगल वाला तो बिल्कुल सूख ही गया है। अब ये गेंदे में डाल देता हूँ, पूरे पौधे सूख रहे थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने ऊपर देखा, पानी डाल दिया था, बिल्कुल पौधे सूख गए थे, पानी डाल चुका हूँ। और अब जैसा कि मम्मी के लिए चाय बना देता हूँ, मम्मी बोल रही थी। तो फ्रेंड्स, पहले दूध निकाल देता हूँ। मम्मी, कॉफी पियोगी या चाय? चाय बना दो, कॉफी नहीं। तो दूध तो हो गया, छोटी इलायची किधर है? ये देखिए छोटी इलायची। फ्रेंड्स, मेरी मम्मी चाय बहुत ज्यादा पीती है, बहुत ज्यादा, कम से कम गर्मी सर्दी में तो और ज्यादा, और गर्मी में सुबह दोपहर शाम कुल मिला के 3-4 बार पी लेती है, और सर्दी में उसको डबल रख लीजिए। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, कैसे खास रही है। फ्रेंड्स प्लीज़ ब्लॉग लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो जब तक दूध गर्म हो जाता है।
अपनी चाय? बना दिए चाय? हाँ, पी के बताओ कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, चाय के साथ अब कुछ ले आए होते खाने के लिए, बताना चाहिए ना नमकीन खाना है। मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया है। सही में अच्छा है? बहुत अच्छा है चाय। पापा तो बिना खाना खाए गए हैं। क्यों बता ना, आज गुस्सा थे क्या थे, इतना बार बोले था नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो नाश्ता करके, जब बोले सुने ही नहीं, नहीं कर लेकर गए लंच, कुछ भी ना लेकर गए हैं ना नाश्ता करके गए। तब तो आज पापा बहुत गुस्सा होंगे। आज शाम को आएंगे, देखो क्या इनका रिएक्शन रहता है, क्या धमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या रहता है। आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। A few moments later. तो फ्रेंड्स देखिए पापा आ गए हैं ऑफिस से। पापा ये बताओ सुबह खाना क्यों नहीं खाए थे और लेकर क्यों नहीं गए? सुबह लेट हो रहा था इसलिए खाना नहीं खाया, क्योंकि ऑफिस तो टाइम से पहुंचना होता है, कभी 10 मिनट 15 मिनट चल जाता है, लेकिन डेली अगर रोज इसी ट्रिप पे जाएंगे तो मैनेजमेंट लोग क्या बोलेंगे, कहेंगे कि हाँ इनका सिस्टम खराब है, टाइम से नहीं पहुंच रहे थे। हम लोग तो सोच रहे थे कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हो। मम्मी नहीं सोच रही थी तुम आज बहुत ज्यादा गुस्सा, सोच रहे आज घर पे आके धमाल करेंगे, हाँ बहुत लड़ाई करेंगे। अरे मैं गुस्सा नहीं था, दूसरा रीजन ये था, तो आज तक बिना खाए नहीं गए हो कभी नाश्ता? अरे रीजन ये था, कल जो है ना मैं मसाले वाले ज्यादा चीज रात में खा लिया था, तो सुबह गैस की प्रॉब्लम बनी हुई थी बहुत ज्यादा, पेट मेरा देखो अभी भी फूला पड़ा है, इसलिए खा लिया हूँ। हाँ खा गया हाजमोला। हम लोग अभी तो फालतू ही डर रहे थे, हमको इतना टेंशन हो रहा था बिना खाए गए हैं तो आएंगे एकदम बिल्कुल दम, मतलब कि मैं आ करके धमाल कर दूंगा खाए गए बिना खाए गया हो तो, बिना खाए गया हो तो क्या हो गया, बाहर नहीं खा लेता मैं अगर भूख लगती तो, लेकिन मुझे गैस की दिक्कत हो रही है, गैस बना हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। तो गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।